अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव टीवी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि बिना इंटरनेट के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के, आप किस तरह अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का कोई सा भी पार्टीशन हाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये हमारे यूट्यूब चैनल है इन्फॉर्मेटिव टीवी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे जो घंटी का निशान है उसको भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चले फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर विंडो प्लस आर बटन, और यहाँ पर आपने सर्च करना है gpedit.msc। ये देखे मैंने पहले से सर्च कर रखा है gpedit.msc। तो इसको आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे, और यहाँ पे आपने फिर विंडो कंपोनेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने फाइंड करना है विंडो एक्सप्लोरर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको विंडो एक्सप्लोरर। इस पर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये दूसरी साइड पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आपने सर्च करना है ये वाला जो ऑप्शन है, हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव इन माय कंप्यूटर। तो इसको आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉट कॉन्फ़िगर वाला सेलेक्ट होगा, इसको आपने इनेबल करना है। और यहाँ पे नीचे आपने आना है, और यहाँ पे जिस ड्राइव को भी आप मतलब हाइड करना चाहते हैं तो बस सिंपली उस पर क्लिक करें। चलिए मैं डी को कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हम बैक जाते हैं और देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो डी ड्राइव है वो हाइड हो चुका है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखें फ्रेंड, सी है, फिर ई है, एफ है, डी हमारे कंप्यूटर में हाइड है। अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं दोबारा तो सेम तरीक़ाकार है। यहाँ पे आपने दोबारा विंडो आर, सेम वही प्रोसेस दोबारा करना है आपने। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट कर लेना है आपने। ये हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव इन माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डी ड्राइव ओनली है, तो इसको आपने यहाँ पे डू नॉट रिस्ट्रिक्ट ड्राइव, और इसको यहाँ पे ओके कर दे। तो अभी हम दोबारा जाते हैं बैक। चले एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं और दोबारा जाते हैं कि हमारे कंप्यूटर में ड्राइव आ चुका है। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ड्राइव हमारे पास दोबारा आ चुका है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो 7 है, 8 है, 10 है, तो सब में यही प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि हर, और आगे जो घंटी का निशान है उसको भी दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।